अभी तक आपने दशहरा के दिन रावण के पुतला को दहन करते हुए देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रावण के पुतले को दहन नहीं बल्कि सिर कलम किया जाता है। सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। दशहरा के दिन इस नजारा को देखने के लिए मध्य प्रदेश और प्रयागराज से काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। 10 सिर वाले रावण का भगवान श्री राम तलवार से सिर कलम करते हैं। सिर कलम करने से पहले रावण के पुतले को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। मिर्जापुर के ड्रमनगंज बाजार में श्री रामलीला कमेटी के द्वारा रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। लगभग 150 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार यहां पर रावण के पुतले का सिर कलम करके विजयादशमी मनाया जाता है। रावण के 10 सिर वाले पुतले को संवारने के बाद पूरे बाजार में घुमाया जाता है। बाजार में घुमाने के बाद देर शाम प्रभु श्री राम रावण के पुतले का सिर कलम करते हैं और 20 फीट ऊंचे रावण के पुतले को 1 सप्ताह पूर्व से ही तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ का मान्यता नहीं है, यहाँ की परंपरा है। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज आज से नहीं 150-200 साल पहले से छटंकी नाम के थे, जो कि इस रावण का निर्माण किया था, और तभी से यहाँ रावण जो है एक व्यवस्था के तहत सर कलम किया जाता है। यह कोई मान्यता नहीं है, यह परंपरा बन गया अपने गांव का कि रावण को जलाया न जाए, रावण की सर कलम किया जाए। नाम नित्यम केसरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का निवासी ड्रमनगंज का हूँ। क्या मान्यता है यहाँ जो रावण का सर कलम किया जाता है? यहाँ पे हमारे पूर्वजों का मानना है कि रावण को जलाया नहीं जाता, रावण का सर कलम किया जाता है। मतलब पूर्वजों का कहना है कि रावण को जलाया तो मुर्दों का जाता है, रावण का तो सर कलम किया जाता है। वो अधर्मी है, लेकिन वो अपने मतलब काम के लिए ही जाना जाता है।